इटावा कोतवाली क्षेत्र की टीटी पुलिस चौकी के अंतर्गत एक महिला का शव घर के कमरे में संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी पर लटका मिला। ससुराल वालों जहां आत्महत्या किए जाने की बात कही, वहीं महिला के मायके वालों का कहना है उसकी हत्या की गई। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही स्थिति साफ होगी। सूचना पर पहुंची पुलिस को 28 वर्षीय महिला का शव कमरे में लटका हुआ मिला। मौके पर एसपी सिटी डॉक्टर राम यश व सीओ सिटी वैभव पांडे, कोतवाली प्रभारी बचन सिंह भी पहुंचे। जांच पड़ताल कर मृतका के परिजनों से बातचीत की गई। मृतका के ससुराली जनों ने मामले को जहां आत्महत्या बताया, वहीं मायके वालों ने हत्या का आरोप लगाया है। अब ये मामला हत्या और आत्महत्या के बीच उलझा है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का सही कारण पता चलेगा। पुलिस मामले की गहराई से जांच पड़ताल में जुट गई। कोतवाली में ग्वालियर रोड चौकी टीटी में पड़ता है, उसमें एक महिला फांसी लगा के आत्महत्या करने की सूचना मिली है। जो है उसका नाम प्रियंका है और उसके पति का नाम विश्वजीत है। ग्वालियर रोड में रहते हैं, ये ठेकेदारी काम करते हैं। 3 साल पहले इसकी शादी हुई थी, कानपुर के रहने वाली है और इसके 2 साल का लड़का है। ऐसी जानकारी मिली है कि रात में इनका वाद विवाद हुआ है, कुछ मारपीट भी हो सकता हुई हो, जिसके कारण चुप होकर उसने फांसी लगा लिया है। उसको डेड बॉडी को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, तेजस खबर।